सो फाइनली दोस्तों गदर 3 को लेकर एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज, और साथ ही साथ दोस्तों गदर 2 को मिल चुका है आइकॉनिक अवार्ड 2024, यानी कि गदर 2 को गेम चेंजर मूवी का अवार्ड मिल चुका है। वो तो मिलना ही था ना दोस्तों, क्योंकि साजिशें इतनी बड़ी थी। एक ईमानदार दोस्तों एक अकेला 4 पे भारी था, संदीप देओल का 2.5 किलो का, हाँ दोस्तों 4 पे भारी था। तो दोस्तों गदर 2 को आइकॉनिक अवार्ड तो मिल ही चुका है, लेकिन गदर 3 को लेकर भी कहा जा रहा है कि मूवी गेम चेंजर नहीं, ये फिल्म पाकिस्तान में तो बैन होगी, लेकिन कहीं ना कहीं दोस्तों आपको बता दूं कि बॉलीवुड भी कहीं ना कहीं डरा हुआ है गदर 2 से, दोस्तों डर चुका था लेकिन अब गदर 3 से भी डर चुका है। तो बहुत सारे अपडेट लेके आऊं, वीडियो के अंत तक बने रहिए, लाइक कमेंट करना है, अपने भाई रवि चौधरी को इसी तरह प्यार देते रहो, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज पता नहीं क्या करना है, सब्सक्राइब कर लो ना यार। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बता दूं कि भैया आप देख सकते हो कि गदर 2 को आइकॉनिक 2024 का अवार्ड मिल चुका है, मतलब गेम चेंजर मूवी का खिताब। गेम चेंजर का मतलब जानते हो, जो लास्ट मौके पे दोस्तों विनिंग, जो कहते हैं कि विनर बन जाए। मतलब अभी तक लग रहा था कि पिक्चर रिलीज होते होते कि भैया गदर 2 तो फ्लॉप ही हो जाएगी। फिल्म को 100 करोड़ पहले बताया गया, फिर 60 करोड़ का खुलासा किया गया, तब तक के लिए ऐसा लग रहा था कि भैया ये जो फिल्म है ना भाई फ्लॉप ही हो जाएगी, डिजास्टर हो जाएगी, VFX खराब, सब कुछ खराब। लेकिन एट दी एंड जब ये फिल्म दोस्तों बड़े बड़ी फिल्मों से टकराई, ये फिल्म दोस्तों OMG 2 से क्लैश हुई, ये फिल्म दोस्तों एनिमल भी आई बट एनिमल चलो पोस्टपोन हो चुकी थी, तो कहीं ना कहीं गदर 2 को स्क्रीन्स भी 3500 स्क्रीन्स में मिले। फिर साउथ में रजनीकांत की जेलर रिलीज हुई, जो कि लोगों ने उसको भी बहुत पसंद किया, और वो भी फिल्म 500 करोड़ के पार गई। उसके बाद OMG 2, मतलब 3-4 बड़े बड़े क्लैश देखने को मिले। फिर भी दोस्तों ये फिल्म गेम चेंजर बनी, क्योंकि इस फिल्म का कॉन्टेंट, ऑफकोर्स 22 साल बाद का फैक्टर सन्नी देओल का, एंड सन्नी देओल एंड सकीना, यानी कि तारा सिंह एंड सकीना का जो फैक्टर था वो भी लोगों को एक नोस्टैल्जिया फैक्टर था, जो कि देखना था। एंड सन्नी देओल ऑफकोर्स यार 22 साल के बाद फिर से एक बड़ी फिल्म, गदर बड़ी फ्रेंचाइजी की फिल्म में नजर आएंगे, तो एक उत्साह था जनता के बीच की, यार नहीं यार ये हिंदुस्तान की फिल्म है, हिंदुस्तान का असली ब्लॉकबस्टर है और इसको अपने को देखना था। तो फिर क्या दोस्तों ये फिल्म में चली और ऐसी चली, ऐसी दौड़ी कि लोग भाई साहब साइकिल से लेकर ट्रैक्टर तक सिनेमा घर में पार करने लग गए। ये थी दोस्तों एक महीने लगातार 40 करोड़ 20 करोड़ 30 करोड़ ऐसे कलेक्शंस रहे हैं। मैंने भी, मुझे याद है कि मैंने भी बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस ऐसे दिए आपको, तो काफ़ी खतरनाक। और वाकई में मूवी गेम चेंजर कैसे हो गई, लोगों को अभी भरोसा ही नहीं है। ये फिल्म पठान जो एक ऐसी फिल्म थी दोस्तों जो 524 करोड़ के आसपास का नेट कलेक्शंस किया था, अचानक दोस्तों जो कि कॉरपोरेट बुकिंग था, लेकिन फिर भी ये मूवी गेम चेंजर बनी। ये मूवी एट दी एंड दोस्तों लास्ट मोमेंट पे पठान के रिकॉर्ड को तोड़ दिए, 525 करोड़ पार करके इंडिया नेट में ग्रॉस में 700 करोड़ के पार जा चुकी मूवी, और इसको इतने अवार्ड मिले। सन्नी देओल को बहुत सारे अवार्ड मिले इस फिल्म के लिए, अनिल शर्मा को अवार्ड मिले, अब गदर 2 के लिए दोस्तों एक और नया अवार्ड मिल गया, आइकॉनिक गेम चेंजर मूवी आइकॉनिक अवार्ड 2024 फॉर गदर 2 के लिए। तो दोस्तों ये सम्मान की बात है, और इसी बात पे सभी लोग हिंदुस्तान जिंदाबाद को लिखेंगे। इसके साथ ही दोस्तों गदर 3 की अपडेट यही आई है कि गदर 3 जो है ऑफकोर्स 2025 में ही रिलीज होगी 15 अगस्त के टाइम पर, बट इन केस अगर कुछ इश्यू होता है तो फिर 2026 के रिपब्लिक डे पे भी रिलीज हो सकती है, बट 99% श्योर है इसकी रिलीज डेट जो है दोस्तों रिलीज होगी कम से कम 15 अगस्त 2025 को रिलीज डेट इसकी फाइनल है। अनिल शर्मा अपनी डेट से एक बात तो श्योर है कि अनिल शर्मा अपनी डेट कभी नहीं खिसकाते दोस्तों, कभी भी नहीं खिसकाते हैं। उनका यही कहना है कि फिल्म में आए फिल्म में जाए, लेकिन अपन तो अड़े हैं और अपने को भैया डेट यही मांगता है, हम तो यही रिलीज करेंगे, चाहे कितने बड़े क्या बोलते हैं सिकंदर की फिल्म आ जाए, चाहे कितने बड़े बहुत बड़े स्टार की फिल्म आ जाए, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। तो दोस्तों गदर 3 की एक और अपडेट यही है कि इस फिल्म में क्या क्या होगा, स्टोरी प्लॉट क्या होगा, इस फिल्म की क्या शूटिंग स्टार्ट हो गई है। तो दोस्तों इसकी शूटिंग बहुत जल्द स्टार्ट होने वाली है। देखो यार इसकी शूटिंग कब से स्टार्ट हो सकती है, जो अभी सन्नी देओल का शेड्यूल लाहौर 1947 है, फिर रामायण है, फिर साउथ एक्शन मसाला मूवी है, सफर मूवी कंप्लीट हो चुकी है, बाप मूवी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है, अब जो फिल्म बनती है दोस्तों गदर 3 अपने 2 एंड बॉर्डर 2। तो गदर 3 की शूटिंग जो कहा जा रहा है, आपको बता दूं कि इस साल के अगस्त मिड से दोस्तों गदर 3 की शूटिंग स्टार्ट हो जाएगी ऑलमोस्ट। अभी स्क्रिप्ट पे काम चल रहा है, शक्तिमान तलवार की स्टोरी बड़ी लाजवाब होने वाली है, कास्टिंग फाइनल ऑलमोस्ट हो चुकी है, कास्टिंग और भी अभी चल रही है, अनिल शर्मा भी जर्नी के शूटिंग में बिजी है, तो कहीं ना कहीं कास्टिंग जो एजेंसी है वो कास्टिंग पर फोकस कर रही है, ठीक है। तो अभी कास्टिंग और क्या बोलते हैं उसके स्क्रिप्ट राइटिंग पे कमाल चल रहा है, अभी काम चल रहा है, उसके बाद दोस्तों इसकी शूटिंग जो है ऑलमोस्ट
अगस्त मिड से स्टार्ट हो जाएगी। एंड ऑफ कोर्स उसके बाद ही दोस्तों, अगस्त के बाद, इस साल के अगस्त के बाद ही कुछ टीजर या कुछ मोशन पोस्टर डेफिनेटली आएगा दोस्तों, जैसे कि अनिश शर्मा ने गदर 2 में भेजा था। और इस फिल्म में 22 साल का वेट नहीं करना है, अगले साल ही रिलीज हो जाएगी। उसके बाद दोस्तों अनिल शर्मा से एक और रिक्वेस्ट यही करूँगा कि अनिल शर्मा प्लीज़ सर, आप जो है इस मूवी को थोड़ा सा कॉन्फिडेंशियल रखना। आई नो प्रमोशन इज़ द बिग फैक्टर, लेकिन आप सारी क्लिपें और क्लाइमेक्स दिखा देते हो ना, तो एक ट्विस्ट खत्म हो जाता है। तो प्लीज़ ऐसा मत दिखाना कि भाई पूरे क्राइमेस की सीन आप लीक कर रहे हो। तो प्लीज़ आप इसकी चीज़ों को कॉन्फिडेंशियल रखना, जैसे कि लाहौर 1947 एंड तमाम फिल्में कॉन्फिडेंशियल तरीके से शूट होती है। इसके साथ ही साथ दोस्तों इस फिल्म का बजट कितना है गदर 3 का? देखो इस फिल्म का गदर 3 का बजट जो है 200 करोड़ के ऊपर है, 230 और 250 करोड़ की रेंज में है, क्योंकि जी स्टूडियो इस बार बड़ा, उसको पता है कि गदर 3 जो है एक ऐसी फिल्म होगी, अगर इसकी स्टोरी, इसके VFX, इसके टेक्नीशियन टीम अच्छे मिल गए अनिल शर्मा को, क्योंकि पिछली बार तो अनिल शर्मा ने कम बजट में बिल्कुल ही बना दिया था, लोगों ने इसको भोजपुरी बोला कुछ हेटर ने, बट फिर भी लोगों ने इसको प्यार दिया। बट दोस्तों गदर 3 अगर फिर से अनिल शर्मा वही बेवकूफ़ी करेंगे, तो प्लीज़ थोड़ा सा यार पैसा खर्च करो और अच्छे टेक्नीशियंस, अच्छे टूल टेक्निक का यूज़ करके, अच्छे बेहतर टीम, आज की टीम को पकड़ के भैया गदर 3 की शूटिंग स्टार्ट करो और बड़े लेवल पर करो यार, पैसा खर्च करो, पैसा आ गया है, ऐसे लेवल पर शूट करो कि भाई लगे जनता को कि भाई गदर 3 के अंदर। और गदर 3 ऑफकोर्स गदर 3 और सकीना दोनों होनी चाहिए यार, प्लीज़। अब ऐसा मत करना उत्कर्ष शर्मा के 4 बच्चे हो गए, फिर उसके बच्चे हो गए और सन्नी देओल पाकिस्तानी जा रहा है, प्लीज़ अनिल शर्मा ऐसे स्टोरी पे काम मत कीजिएगा, क्योंकि अब जनता है ना एडवांस हो चुकी है, अब एक्शन मसाला फिल्में चल रही है, आप सकीना को भी एक नए मॉडर्न तरीके में लेकर आओ और सरदार जी को भी यानी तारा सिंह को भी एक नए मॉडर्न तरीके में लेकर कुछ एक्शन मूवीज़ को काम करो, क्योंकि अब अपडेट होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने पुरानी घिसीपट्टी स्टोरी पर काम किया तो जनता ने नॉस्टैल्जिया फैक्टर से फिल्म को ब्लॉकबस्टर तो बना दिया, लेकिन जनता हर बार ऐसी गलती नहीं करेगी, ठीक है। तो प्लीज़ अनिल शर्मा इस बार आपको नया चांस मिला है। इसके साथ ही साथ दोस्तों गदर 3 का ट्रेलर कब तक आ सकता है? तो ट्रेलर तो अगले साल ही आएगा दोस्तों। हाँ, एक आध पोस्टर आ सकता है इस साल के एंड में, जो एक प्रमोशन पोस्टर आ सकता है, और बाकी नए साल पे ही, अगले साल 2025 में ही दोस्तों कुछ बड़ा आएगा गदर 3 को लेकर। बाकी गदर 3 से जुड़ी अपडेट मैं आपको देता रहूँगा। और साथ ही साथ ऑफकोर्स पहले गदर 2 जो है दोस्तों जी के ही TV सैटेलाइट राइट पर रिलीज हुई थी, जिसमें कम से कम पता नहीं कितने मिलियंस ऑफ मिनट्स वॉच देखे गए और रिकॉर्ड गया था, ठीक है। क्योंकि यार देखो जी स्टूडियो वाला अगर कहीं भी प्लेटफॉर्म पे, OTT प्लेटफॉर्म पे 100-150 करोड़ का क्या बोलते हैं कलेक्शंस हो जाएगा OTT प्लेटफॉर्म से, लेकिन जी वाला भाई साहब 100-150 नहीं, लगभग 200-250 करोड़ कमा लेता है OTT से अपने, और TV सैटेलाइट राइट से, ठीक है। जी वाले किसी को देता नहीं, अपने ही प्लेटफॉर्म पर रिलीज कर लेगा। तो कहीं ना कहीं दोस्तों अब गदर 3 का वेट हम सबको है, फैंस आर एक्साइटेड, एंड ऑफकोर्स यही है कि भैया गदर 3 का बजट बढ़ गया, तो अब गदर 3 का कुल मिला के भाई ट्रेलर, टीजर एंड मोशन पोस्टर के लिए वी आर सो एक्साइटेड। दोस्तों इसकी शूटिंग लोकेशन कहाँ कहाँ होगी अभी तो कोई अपडेट नहीं आई है, बट यस जर्नी की शूटिंग कंप्लीट हो रही है, और कंप्लीट होते ही फिर उसके बाद अनिल शर्मा जो है वापस बैक टू कास्टिंग एंड बैक टू रीशूट करेंगे, बैक टू शूटिंग लोकेशन पर जाकर दोस्तों वापस गदर 3 की फॉर्म में आ जाएंगे। तो ये थी बड़ी रिपोर्ट दोस्तों गदर 3 को लेकर, और आशा करते हैं कि जो गदर 2 को गेम चेंजर अवार्ड मिला है, गदर 3 को उससे भी बड़ा अवार्ड मिले। एंड गदर 3 से पाकिस्तान घबराया हुआ है, मैं बता रहा हूं भाई साहब बॉलीवुड भी कहीं ना कहीं घबराया हुआ है। क्या लगता है दोस्तों गदर 3 सोलो रिलीज होगी? क्या गदर 3 से अब कोई क्लैश करेगा? इतना पावर है गदर 3, क्या गेम चेंजर से बड़ी मूवी बन सकती है गदर 3? दोस्तों क्या लगता है इस बार 2000 करोड़ का टारगेट लेके चले अपन, कितना कलेक्शन हो जाएगा? लाइक कमेंट करके बताओ, आर यू एक्साइटेड फॉर द गदर 3 दोस्तों? थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, जय भारत, हिंदुस्तान हिंदुस्तान जिंदाबाद। एंड दोस्तों आपको लगता है कि गदर 3 हिंदुस्तान का असली ब्लॉकबस्टर होगी? कमेंट करके बताओ। जय हिंद, जय भारत दोस्तों, और जय श्री राम, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हर कोई लिखेगा।